अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नैयर है और मैं लाई हूँ आपके लिए तमाशा सीज़न 2 का रिव्यू। आज हम एपिसोड 6 का रिव्यू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें, बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं हम अपने रिव्यू की तरफ। रिव्यू मैं स्टार्ट करूँगी, जैसे कि एपिसोड स्टार्ट होती है मेरा रिव्यू भी स्टार्ट होता है, और इनके एपिसोड और दिन का आगाज़ होता है हस्ब मामूल एक सॉन्ग के साथ, और उसी तरह से दिखाते हैं कि सब बहुत ही खुशी से और एंजॉय करते हुए सॉन्ग को डांस करते हुए उठते हैं। सबसे ज़्यादा जो एफर्ट डालते हैं इसमें वो जुनैद हैं, बॉयज़ रूम में दिखाते हैं, गर्ल्स रूम में भी साथ साथ दिखा रहे होते हैं, बट वहाँ पे कोई डांस वांस इतना ज़्यादा इनिशिएट नहीं करता लेना, मतलब डांस करना, लेकिन बॉयज़ जो हैं वो जुनैद तो फौरन डांस शुरू कर देता है। फिर उसने अपने साथ फैज़ान को भी शामिल किया, उमर को भी शामिल किया, अली को भी शामिल किया, और आखिर में वो दानिश के साथ भी डांस करते हुए नज़र आए, और साथ साथ ये लोग अपने रूम्स भी सेट कर रहे थे, और इस तरह से इनके ये दिन का आगाज़ हो जाता है। फिर आ जाते हैं ये लोग नाश्ते की तैयारी के लिए, किचन काउंटर दिखाते हैं जिसमें राना जो है हस्ब मामूल अंडे की ड्यूटी निभा रहा होता है, अंडे फेंट रहा होता है इकट्ठे बनाने के लिए, तो बीच में नताशा जो है उसकी कंप्लेंट शुरू हो जाती है कि मुझे जो है वो चाय नहीं मिल रही है आप लोगों की वजह से, मैं सिर्फ सुबह चाय पीती हूँ, आप लोग तो दिन रात पीते हो, सारा दूध ख़त्म हो गया है, मेरा हिस्सा नहीं बचा है, और अंडा भी जो है मैं प्याज टमाटर वाला नहीं खाती हूँ, और राना जो है वो मिला के ए सारे अंडे जैसे बना रहा है। तो राना ने कहा कि मुझे नहीं पता था आपको मिर्च और टमाटर से कोई एलर्जी है, और मैंने नहीं सुना कि आपको ये नहीं खाना, वरना मैं आपका अलग बना लेता। तो उसने कहा मैं इतने दिन से तो कह रही हूँ, अंबर को भी पता है, अंबर ने भी डिनाई किया, नहीं मुझे स्पेशली ये नहीं पता था कि आप ये नहीं खाती। तो राना ने मुझसे पूछा कि मैं खट्टे बना लूँ, मैंने कहा बना लो। बहरहाल उन दोनों को वाकई इल्म नहीं था कि इस बात पे नताशा साहिबा जो हैं वो एक इशू बना लेंगी और उसको कंप्लेन के लिए, हालांकि नताशा जो है वो अंबर से भी और राना से भी बहुत फ्रेंडली टर्म्स में बात करती है, बट मेरा ख्याल है कि नताशा भी एक तरह से ना नेगेटिव करेक्टर बनती जा रही है इस घर का, क्योंकि आज के एपिसोड में उसने जो भी अपने एक्शंस शो किए हैं उसी से मैं ये बात कहने के काबिल हो रही हूँ। आगे आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या किया था। बहरहाल ये शुरू में उन्होंने जो है अपनी कंप्लेंट स्टार्ट कर दी थी। फिर दिखाते हैं कि जी सारे बॉयज़ किचन काउंटर के इर्द गिर्द जमा हैं, जिनमें दानिश हैं, फैज़ान हैं, राना हैं, उमर, अली, और इसके साथ साथ नताशा और जुनैद भी हैं, और दानिश साहब सबसे रिक्वेस्ट करे थे कि क्या इस दफ़ा भी आप लोग मुझे वोट दे के बना सकते हैं। तो फैज़ान उसको मजाक में कहता हम देंगे आपको 5 वोट तो आपके पक्के हुए। अली भी आ गया बीच में, तो अली ने कहा कि चले मेरा वोट आपके लिए तो है, लेकिन आप एज अ कंटेस्टेंट भी तो खेलें, हमने आपको अभी तक सिर्फ एक वजीर के रूप में देखा है, हम आपको एज अ कंटेस्टेंट भी देखना चाहते हैं, जो कि उसकी काफ़ी बात मुझे वैलिड लगी कि एज अ नॉर्मल प्लेयर भी आप खेलें, तब आपका जो है पर्सनैलिटी के सही रंग जो है लोगों के सामने आएंगे। इतने में नेक्स्ट सीन दिखाते हैं कि अदनान जो है वो अक्यूज़ कर रहा था मिशेल को, और मेरे ख्याल में रिदा को या जैनब उसके साथ, कि मैंने आप दोनों इतना हंस रही थी रात को कि मैं आपके शोर से उठ गया था, और अंबर भी दरवाजे में खड़ी हमें देख रही थी। तो ये सब इस चीज़ का, इस वाक़े का, इस पर्टिकुलर बात का डिनाई कर रही थी, जबकि अदनान जो है वो बहुत श्योरिटी के साथ ये कह रहा था कि ये हुआ है वाक़या, और फिर कह रहा था सब लोग मुझे कह रहे हैं कि तुम ख्वाब देख रहे हो, चल जागती आँखों से ख्वाब देख रहे हो, तुम्हें इल्यूजन्स नज़र आ रहे हैं। तो और वो ज़ोर देके कह रहा था कि ऐसा हुआ था ना अंबर, ऐसा हुआ था ना, आप उठी थी ना, आपने देखा था ना, ये लोग हंस रही थी। मिशेल ने कहा मैं तो जल्दी सो गई थी दवाई खा के, अंबर ने कहा लेकिन मैं तो वॉशरूम जाती हूँ, मैं उठी होती मुझे ऐसा कुछ सीन याद नहीं आ रहा। तो इस पर अदनान जो है वो थोड़ा सा परेशान हुआ, पता नहीं वो एक्टिंग कर रहा था या रियलिटी में ऐसा था कि वो उसको इल्यूजन नज़र आते हैं, और वो उठ के उनको चाह रहा था कि सब लोग उसको सेकंड करें और कहें कि हाँ ऐसा हुआ था।
एनी हाउ सीन चेंज होता है, लाउंज में जो है सारे लोग बैठे होते हैं, अंबर उनके साथ डिस्कशंस कर रही होती है कि हमें अब अपने राशन के लिए क्या क्या प्रायोरिटीज़ रखनी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इन लोगों को मॉर्निंग से लेकर रात तक की अपनी सेटिंग करनी चाहिए थी, तो वो अब कल आ गई है अंबर को, और वो सबसे ज़्यादा मेच्योर भी हैं और एक्सपीरियंस भी हैं सब में, किचन भी उन्होंने संभाला हुआ, तो उनको पता है कि अब किस किस चीज़ की ज़रूरत है, हर एक बंदे की सेपरेटली उनको रिक्वायरमेंट भी पता चल गई। सबसे पहले आपको नाश्ते की चीज़ें जमा करनी है, फिर लंच के हिसाब से सोच लें सब्जी दाल और एक आधा जो मीट का है चिकन कीमा या फिर मटन, वो आप जो है डिनर के लिए रख लेते हैं। तो इसी हिसाब से अम्मा ने प्लान किया कि हमें ब्रेड अंडे वगैरह और दूध कितना लेना है, गोश्त कितना लेना है, और उसने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हम मटन अगर महंगा है तो वो ज़रूर लें, हम चिकन और कीमे से भी काम चला सकते हैं, हमें आटा ज़्यादा चाहिए, चावल चाहिए और हमें नाश्ते की चीज़ें ज़्यादा चाहिए जो और टाइमिंग्स में भी लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसको सब ने सेकेंड किया, सब उनके साथ मिलकर ये कर रहे थे प्लानिंग, और ये काफ़ी अच्छी प्लानिंग थी। लेकिन इतने में ही साइरन बजता है, नान सर एंटर होते हैं और कहते हैं कि ये जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें होगा तो वही जो मैं चाहूँगा, और आइए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। ये कहते हुए वो घर के अंदर एंटर होते हैं और सबसे पूछते हैं कि भाई आप लोग ने नाश्ता कर लिया, खाना कर लिया? सब ने कहा जी नाश्ता हम कर चुके हैं, खाना अभी नहीं खाया। और उन्होंने कहा कि चलें अब जैसे भी है, राशन आप लोगों ने प्लान तो बहुत अच्छा किया है, बट होगा वही जो मेरी मर्ज़ी होगी, यानी कि बादशाह सलामत की, और मैं आपके लिए एक टास्क लाया हूँ, और वो टास्क ये है कि आपको उन्होंने टास्क का नहीं पहले बताया, उन्होंने कहा मैंने आपके लिए राशन डिसाइड कर लिया है, और वो कमरे में मौजूद LED पे दिखाते हैं उनका पूरी लिस्ट जो कि नॉर्मल चीज़ों की बिल्कुल भी नहीं थी, उसमें सारी लग्जरी आइटम्स थे, यानी कि जो लोग अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें डिमांड कर रहे होते हैं, जैसे उसमें बटर आ गया, चीज़ आ गई, कॉफ़ी आ गई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, काफ़ी दूर से इतनी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, यानी हाउ वो सारे लग्जरी आइटम्स हैं जो आप जो है एक्स्ट्रा अपने रोज़मर्रा के खाने के अलावा खाना पसंद करते हो। तो वो देख के तो सब खुश हो गए, चौंक गए, उन्होंने कहा लेकिन ये तो इसमें बेसिक चीज़ें तो हमारी हैं ही नहीं। तो उसने कहा बिल्कुल ये बेसिक नहीं है, ये लग्जरी आइटम्स हैं और ये आपको जीतने पड़ेंगे, ये आपको ऐसे ही नहीं मिल रहे। आपका दो टीम्स का जो है एक कॉम्पिटिशन होगा, उस कंपटीशन में जो भी टीम विन करेगी उसको ये वाले लग्जरी आइटम मिलेगा, और जो हार जाएगी उसको सिर्फ बेसिक्स मिलेंगे, जिसमें कि दो दाल चावल आटा और चाय डबल रोटी शायद, इस तरह से उन्होंने बताया था कि बेसिक्स जिससे सिर्फ नाश्ता और खाना होता है, और उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा कि वो इन लग्जरी आइटम्स में से कुछ भी शेयर कर सके, जबकि जीतने वाली टीम जो है वो ये बेसिक्स भी शेयर करेगी और ये लग्जरीज़ भी। और इसके अलावा उन्होंने एक और बात बताई कि जो टीम भी जीतेगी उसके ज़िम्मे घर का सारा काम जो है वो उससे बच जाएंगे, और हारने वाली टीम को के सारे मेंबर्स को घर का सारा काम करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने जो टीम डिवाइड की उसमें टीम ए में उन्होंने डाला दानिश को, मिशेल को, जुनैद, रुबा, उमर, अदनान, नेहा, और टीम बी में उन्होंने डाला फैज़ान, नताशा, जैनब, अंबर अली, राना, निदा, ये सात सात लोगों की उन्होंने टीम बना दी। और उनको टास्क ये दिया कि आप लोगों का कंपटीशन ये होगा कि आप लोगों को एंटरटेन करना है अपनी परफॉर्मेंस से, आप कुछ भी उसमें प्लान कर सकते हैं, कोई ड्रामा, कोई सिंगिंग प्रोग्राम, कोई डांसिंग प्रोग्राम, मतलब जो भी एंटरटेनमेंट के ज़ुमरे में चीज़ें आती हैं, एक्शंस आते हैं, वो आप प्लान कर सकते हैं, और आपको परफॉर्मेंस की जजमेंट जो है एक स्पेशल गेस्ट करेंगे और वही तय करेंगे कि कौन सी टीम की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है और कौन जीता है। तो ये कल होगा, आपको एक दिन दिया जा रहा है, आप इसके प्लानिंग और रिहर्सल कर लीजिए। तो ये सारे टीम लोग जो हैं सेपरेट सेपरेट बैठ गए और अपनी अपनी अकल और तजुर्बे के हिसाब से आइडियाज़ देने लगे कि क्या करना है, कैसे करना है। और सबसे पहले जो है उमर ने आइडिया दिया कि जी म्यूज़िक जो है सबसे पावरफुल एलिमेंट होता है, इसके साथ हमें उमर से पहले दानिश उनके टीम को ये बता रहा था कि हम जो है ये कॉमेडी प्ले वो करते हैं, स्टेज करते हैं, और उसको इस तरह से वो एक्सप्लेन भी करा था, लेकिन वो काफ़ी फुसफुसा लगा। तो मैंने कहा नहीं, म्यूज़िक जो है वो सबसे इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग एलिमेंट है, उसके ऊपर हम लोग कुछ वो परफॉर्म करते हैं, या तो फिर हम डांस करेंगे या फिर हम
म्यूज़िक के तहत ही कुछ ना कुछ एक्ट करेंगे। और इस दूसरी टीम में उन्होंने ऑलरेडी जो है वो डांसिंग जो सारे लोगों के डांस के हिसाब से ही अपनी कुछ प्लानिंग की हुई थी। बाहर इतना ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं दिखाया कि कौन क्या कर रहा है प्लान, लेकिन ये सब देख रहे थे कि कौन किसकी टीम में क्या कर रहा है। एक एक मेंबर हर टीम में से जाके दूसरी जगह से ये चेक कर रहा था कि उनकी क्या प्लानिंग हो रही है ताकि वो उससे बेटर कर सके। लेकिन काफ़ी सीक्रेटली ये लोग अपने काम डिस्कस कर रहे थे और एक दूसरे को भनक भी नहीं पड़ने दे रहे थे। फिर एक सीन दिखाते हैं कि जी नताशा ने फैज़ान से कहा, पता नहीं आई डोंट नो किस लड़की के बारे में, उसने बोला कि जी वो कह रही है कि अगर मैं अपने स्टेज पे ना अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ और हम उसको कोई इंपॉर्टेंट चीज़ देते हैं और वो भूल गई तो हमारा तो सारा परफॉर्मेंस की रेट लग जाएगी। तो फैज़ान ने कहा हम उसको कम से कम देंगे काम। अब नताशा ने फैज़ान से एक चीज़ डिस्कस कर ली थी और फैज़ान ओवरऑल मेरे ख्याल में सारी चीज़ों को डिसाइड भी कर रहा था, सब कुछ चेक भी कर रहा था, तो उसको नहीं चाहिए थी कि ये बात हर एक को बता दिया। वो जिस भी अपनी टीम मेंबर के साथ बैठ हुई थी वो ये बात कर रही थी। तो इस चीज़ में भी मुझे नताशा का जो करेक्टर है वो काफ़ी नेगेटिव लगा कि वो कोई चीज़ किसी की वीकनेस या कोई बात उसके हाथ लगती है तो वो ज़्यादा उसको फैलाने में टाइम नहीं लेती। वो हर एक से उसकी डिस्कशन भी कर रही थी और अपनी भी डिसलाइकिंग जो है वो शो कर रही थी। इसी असना में अंबर को दिखाते हैं कि बादशाह सलामत ने अपने रूम में बुलाया और उसको एक सीक्रेट टास्क दे रहे हैं, हेडफोन्स के थ्रू बात कर रहे थे उससे कि अगर आप चाहती हैं कि आपको चाय के लिए दूध मिल जाए तो मैं आपको एक सीक्रेट टास्क दूंगा, अगर आपने इसको कामयाबी से पूरा कर दिया, अचीव कर लिया अपना टारगेट, तो मैं आपको दूध भिजवा दूंगा और आप लोग मज़े से चाय पीजिएगा, लेकिन उसकी ये शर्त है कि ये आपको टास्क बहुत सीक्रेटली करना है और ये है कि राना के सारे चश्मे आपने चुराने हैं और इस तरह चुराने हैं कि उसको पता ना चले आप इस काम में किसी भी अपने साथियों में से एक दो की मदद ले सकती हैं, लेकिन आपको ये बहुत सीक्रेटली करना है। अब इस बात का क्या मकसद है बताने का बादशाह का कि सीक्रेट सिर्फ राणा से नहीं बल्कि बाकी घर के मेंबर से भी इसको सीक्रेट रखना था। लेकिन इन्होंने अंबर ने किया तो बहुत ही अच्छा स्टार्ट, उसने दो मेंबर्स को बुलाया था जैसे कि उमर और जुनैद, उसने उन दोनों को अपने साथ रखा था, काफ़ी क्लेवर हैं ये माशाल्लाह से, कि वो उनका साथ दे और राना के चश्मे चुराने में, क्योंकि बॉयज़ रूम में गर्ल्स एंटर नहीं हो सकती तो चश्मे तो चुराने के लिए किसी लड़के के साथ हेल्प लेनी ही थी उसने, तो इन दोनों के लिए। इतने में दानिश ने भी इनको बातें करते देख लिया तो वो भी इनकी टीम में शामिल हो गया। अब इन चारों को जो है बहुत सीक्रेटली ये काम करना चाहिए था, मतलब मगर एक एक करके सब ने सारे घर के मेम्बर्स से ये बात शेयर कर ली थी। बाय द टाइम जब राना के चश्मे चोरी हुए, सिर्फ राना को ये नहीं पता था कि उसके चश्मे चोरी किए गए हैं और क्यों किए गए हैं, वो समझ जाता किसी ने ज़बरदस्ती उसको तंग करने के लिए चश्मे छुपा दिए हैं। बाकी पूरा घर को ये पता था कि ये चश्मे जो हैं दूध हासिल करने के लिए सीक्रेट टास्क के तहत छुपाए गए हैं, जो कि इनका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ओवरऑल ये लोग समझ जाते कि हमने अपना टास्क अचीव कर लिया है, हम अब दूध मिलेगा, हम चाय पियेंगे, लेकिन इनके साथ उल्टा हो गया। और जो आखिरी चश्मा दानिश ने राना से डायरेक्ट उसके चेहरे से उतरवाया था, उसके बाद जो है ये लोग इस चीज़ को संभाल नहीं सके और ओवर एक्टिंग करते हुए झूठ मूठ आपस में लड़े, किसने छुपाया, तो ये बात जो है वो काफ़ हर एक के कानों में तक पहुंच गई कि जी ये एक सीक्रेट टास्क के तहत काम हो रहा है। तो क्योंकि वरना ये जो है काफ़ी बदतमीजी की बात थी कि एक बंदा जिसको नज़र सही नहीं आता चश्मे के बगैर, आप उसका चश्मा लेके छुपा दें या उससे मजाक करें, तो ये काफ़ी सीरियस हो सकता था। लेकिन ऐसी कोई बात भी नहीं हो पा रही थी क्योंकि सबको अंदर ही अंदर पता था कि ये झूठ मूठ का टास्क है। एनी हाउ इसको ख़त्म करने के लिए फिर अदनान सर ने जो है अपनी अनाउंसमेंट की कि आप लोग ये टास्क हार गए। तो अंबर ने कहा नहीं हम तो जीते, हमने उनको तो पता भी नहीं चला कि हमने उनके चश्मे चुराए। तो अदनान सर ने कहा कि बेशक उसको पता नहीं चला, लेकिन आपको ये कहा गया था कि आपने एक दो लोगों की मदद से ये सीक्रेट टास्क करना है, यहाँ तो सारे घर को पता था कि ये टास्क हो रहा है, तो आप लोग ये टास्क हार गए, आपको दूध नहीं मिलेगा, जबकि
उन्होंने राना को ये कहा कि आपको चाय ज़रूर मिलेगी, जिस पर राना बहुत खुश हो गया और सारे लोग जो हैं इतने मायूस हो गए, उनके चेहरे उतर गए। कहना चाहिए कि जिसके जिसकी बिहाफ पे वो लोग अपना चाय दूध हासिल करना चाह रहे थे, उसको बस चाय मिली और उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला। और यही नहीं, राना को ना सिर्फ चाय मिली बल्कि उसको सूजी का हलवा भी मिला। मतलब उसकी तो मौजे ही मौजे हो गई। उसको चाय की ज़रूरत थी, चाय मिल गई। उसको हलवे की, मीठे की ज़रूरत थी, वो भी उसको मिल गया। अच्छा, जब ये टास्क अभी पूरा हो रहा था तो बीच में एक और वाक्य भी हुआ था कि शाम के वक्त, शाम का टाइम था और काउंटर पे अरूबा और मिशेल थे, आई थिंक, या पता नहीं, निदा और मिशेल थे। मिशेल ने आवाज़ देके पूछा, लाउंज में नताशा और राना वगैरह बैठे हुए थे, कि जी फैज़ान की यहाँ रोटियाँ रखी हुई थी, दो रोटियाँ, वो किसने खाई हैं? नताशा ने जवाब दिया कि अभी हम शाम को बैठे, मैं और ज़ैनब आपके सामने ही तो खा रहे थे, आपको पता तो है हमने खाई हैं। तो रूबा ने कहा, मिशेल ने कहा कि वो तो फैज़ान की रोटियां थी। तो उसने कहा वो तो दोपहर की रोटियां थी। तो रूबा ने बहुत ही तरीके से उनको बोला कि हाँ, वो दोपहर की थी, फैज़ान ने दोपहर को खाना नहीं खाया था, लेकिन अगर आप खा रही थी तो आपको पूछ लेना चाहिए था, वो फैज़ान की थी। तो नताशा बजाय इस बात पर सॉरी फील करती, माजरत करती और कहती कि हाँ, मुझे पूछना चाहिए था। वो ऊपर से आई और उसकी बेइज्जती शुरू कर दी उसने। उसने कहा कि क्यों, हाँ, नाश्ते में भी तो चीज़ें बचती हैं, तो शाम को हर कोई खा लेता है, हमने खा ली तो ऐसा क्या हो गया, अगर फैज़ान की थी आप और बना दें। तो रूबा, इसने कहा कि मैं क्यों बनाऊँ, मैंने तो बनाई थी, आपने अगर खाई है तो आप बनाएं। अब ये प्यार प्यार से रिस्पेक्टफुली एक दूसरे को बात करते करते नताशा जो है बिल्कुल आउट हो गई और उसने लेके बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुली बात करना शुरू कर दी मिशेल के साथ। उसने कहा, आप आई कहाँ से, आपको इज्जत राज नहीं आती, मैं आपको तमीज़ से बात कर रही हूँ, आपको तो आपको इज्जत राज ही नहीं आती, मैं आपको इज्जत देना चाह रही हूँ, और पता नहीं क्या, बहुत ही स्ट्रीट लैंग्वेज एक तरह से मैं कहूँगी उसको, कि नताशा उस पर आ जाती है फौरन स्ट्रीट लैंग्वेज पर, और अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा उसने मिशेल को बातें सुनाना शुरू कर दी। मिशेल के ज़ाहिर इसमें कोई गलती नहीं थी, वो क्यों बातें सुनती नताशा की? उसके करीब जाके बोली कि आपने जब खाई है किसी की चीज़ हिस्से की, तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप बना के भी दे दें। उस पर नताशा ने कहा, मेरा काम तो बर्तन धोने का है, मैं तो रोटी नहीं बनाऊँगी, आपको बनानी आप बना लें। उसने कहा, मैंने तो बनाई थी, वो आपने खाई, तो कह रही है पड़ी होगी चीज़ तो कोई भी खा लेगा। बहरहाल नताशा ने अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानी और एंड तक इस बात को लपेटती रही है। और जब मिशेल उसकी नकल उतार के उसको बातें सुना रही थी जो नताशा ने बदतमीजी वाकई उसके साथ की थी, तो कहती है, जी कार्टून आ गए, कार्टून हमारे घर में कार्टून की कमी थी, देखने कार्टून भी आ गए। अब इस होना तो ये चाहिए था कि जो सारे लोग आसपास के ये देख रहे थे, उनको तो चाहिए था वो मिशेल की साइड लेते और नताशा को कहते कि आप गलत कर रही हैं, आपको ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए। बल्कि हुआ उल्टा, उसने ना सिर्फ फैज़ान को भी अपने साथ मिला लिया और राना को भी, और वो लोग सब मिशेल की बुराई करने लगे, जबकि इसमें सारा सर कस्तूर जो कि हमें एज अ व्यूवर नज़र आ रहा था वो नताशा का था। बहरहाल नताशा जो है काफ़ी वो है स्मार्ट, लेकिन मैं कहूँगी कि उसकी सारे एक्शंस ना नेगेटिव ही लगे आज मुझे, कोई उसके अंदर पॉजिटिविटी नज़र नहीं आई, बल्कि मैच्योरिटी भी नज़र नहीं आई। और बहरहाल ये सब चीज़ें जब ये लोग टॉन्टिंग कर रहे थे, मज़ीद ये वाक़या सुना रही थी, तो फैज़ान ने एंड में ऐलान कर दिया कि ना नताशा को बनाने की ज़रूरत है और ना मिशेल को, मैं अपनी रोटियाँ खुद बनाऊँगा, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। और इनका जो है उसके बाद सीक्रेट टास्क का भी भांडा फूट गया और वो भी जो है राना मज़े में रहा, इन लोगों को चाय नहीं मिल सकी। फिर ये हुआ कि राना जो है वो डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए खाने के साथ अपना हलवा रख के कहीं सारे लोगों को ललचा रहे थे, जबकि उसको बादशाह सलामत ने भी यही बोला था कि आप जो है चाय भी सबको ललचा ललचा के पिए और हलवा भी सबको ललचा ललचा के खिलाएं। तो यही उसने किया कि चाय भी सबके बीच में बैठ के मज़े से अकेले पी, उसको इजाज़त नहीं थी किसी से भी शेयर करे, और हलवा भी डाइनिंग टेबल पे सब खाना नॉर्मल। मेरे ख्याल में तिहारी अंबर ने आवाज़ दी थी कि खा रहे थे और वो हलवा भी खा रहे थे। हलवा छोड़ के वो थोड़ी देर के लिए वॉशरूम शायद गए थे, तो पीछे से मिशेल ने उसका थोड़ा सा हलवा चखा, चुराना ही कहेंगे ज़ाहिर इसको, तो सारी गर्ल्स हंसने लग गई। तो फैज़ान ने गर्दन मोड़ के देखा, जो कि किचन में मेरे ख्याल में बर्तन शायद धो रहा था, कि भाई राना मेरे
हवाले अपना हलवा करके गया, इसके हलवे को मत छेड़ो। तो ज़ैनब ने और रूबा ने कहा हम छेड़ तो नहीं रहे, तो उसने कहा फिर, और लेकिन वो हंस रहे थे क्योंकि मिशन उसमें से खा चुकी थी और उन्होंने उसका नाम नहीं लिया था। लेकिन बहरहाल हल्की फुल्की नोक झोंक जो है इनकी थोड़ी सी चलती रही और इतने में राना वापस आ गया और उसने अपना हलवा खुद ही इन्जॉय किया। उसके बाद बाद में सीन में दिखाते रहे कि ये लोग जो हैं क्या कहते हैं टीम ए, एक टीम और बी, दोनों एक एक टीम जो हैं अपने अपने मेंबर्स को लेके अलग अलग बैठ के कल के परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थी और उन लोगों की पूरी ये कोशिश थी कि हम दूसरी टीम का काम देख लें। मेरे ख्याल में एक स्क्रिप्ट चुराने की भी कोशिश की थी, बाकायदा कोशिश की थी। हाँ, उमर जो अदनान जो है वो अंदर गया था फैज़ान और अली की, उसने कैबिनेट्स खोल के स्क्रिप्ट चुराने की कोशिश की थी कि अगर उसको स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो उनको चुरा ले, और उनका अपना भी स्क्रिप्ट जो नहीं मिल रहा था, जिसका एंड में ज़ैनब ने किस्सा भी दोहराया कि अरूबा ने अंबर को बता दिया कि हमारा स्क्रिप्ट खोया हुआ, जबकि और किसी को भी नहीं पता था, अब पता नहीं क्या होगा। बहरहाल इसी रिहर्सल्स और प्लानिंग परफॉर्मेंस के दौरान रातों रात की लाइट्स जो हैं वो ऑफ हो जाती हैं और अंधेरे लाउंज में बैठ के जुनैद की टीम अपना डिसाइड कर रही होती है और फैज़ान लोग की टीम जो है बाहर लाउंज में बैठ के अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और अब ये लोग कल के लिए बहुत खुशगुमान हैं और अच्छी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। देखें कल का टास्क इनका कैसा गुजरेगा और इनका सरप्राइज़ जज कौन होगा जो इनको हार और जीत का फैसला बताएगा। कौन सी टीम जो है वो लग्जरी ये बजट, इनका जो राशन का बजट है वो जीतेगी, तो कल देखेंगे इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के नए रिव्यू में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।